गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम मैंने दो तीन एक्टिविटी आपको बताई थी, समझाई भी थी। दिस एक्टिविटीज इज एक पेपर लेके उसके ऊपर रबिंग करना था हमको। तो एक्टिविटी रिलेटेड मैंने आपको बोला भी था कि आप मुझे ऐसी एक्टिविटी के फ़ोटो भेजो। तो सिर्फ दो ही स्टूडेंट्स ने मुझे ये वाले फ़ोटो भेजे हैं। टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ अ लिप, लिप के ऊपर जो इम्प्रेशन, उसकी वेंस दिखती है, मिडरिप दिखता है, वैसे ही मैंने आपको एक्टिविटी करने को बोला था। सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने मुझे ये फ़ोटो भेजे हैं। तो बाकी के स्टूडेंट को भी मैं बोल रहा हूँ, जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सबको कंपलसरी वीडियो देखना है। कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हो। सो ये एक्टिविटी आपको कंपलसरी करनी थी। सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने फ़ोटो भेजा, तो बाकी के जो स्टूडेंट के ये रबिंग करके जो फ़ोटो बनाने का मैंने बोला था, ब्लैंक पेपर के ऊपर, नोटबुक का भी पेपर आप यूज़ कर सकते हो। नीचे आपको लीफ रखने थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और उसके ऊपर उसको पेंसिल से रब करना था, पेंसिल खींचनी थी धीरे धीरे। सो जिनकी भी बाकी है अभी एक्टिविटी, वो मुझे फ़ोटो भेजे, तो जिससे मुझे समझ में आए कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। सो अच्छे से सब लोग लेसन रीड करो, मैं जो जो बोलूँ वो आप एक्टिविटी करते जाओ, जिससे आपका एबिलिटी, आपकी एबिलिटी और आपका ब्रेन पावर भी बढ़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर एक्टिविटी नंबर 4। वी विल रिक्वायर अ हर्ब, हर्ब मतलब छोटा सा प्लांट, टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। दो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स, जो हम जबले बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग होता है, वैसे दो पॉलीथीन बैग लेनी है, एंड थ्रेड मतलब एक धागा लेना है। ये एक्टिविटी भी हम घर पे कर सकते हैं अगर प्लांट अवेलेबल हो छोटा सा तो। सो केयर लेनी है, मैं जो जो बोलूँ वो समझ के ही आप एक्टिविटी करो, बाकी आप अन्यथा एक्टिविटी ना करो। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। सनी डे मतलब कि जो लाइट वाले दिन हो, जब उजाला हो। सो ऐसे दिन में हमको करना है, बादलों के छाया में हम ये नहीं कर पाएंगे। सो डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, एक हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। एक हेल्दी प्लांट लेना है आपको, मतलब वो प्लांट में से उखाड़ के आपको नहीं लाना है, वो अपनी जगह पे ही प्लांट को रहने देना है, प्लांट को तोड़ना नहीं है हमको, ये खास ध्यान रखना है। सो यूज अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर। तो यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हो, ऐसे आपको उसके जो लीफ है उसके ऊपर ऐसी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग आपको कवर अप करनी है, और नीचे के हिस्से को थ्रेड से आपको बांध देना है। पूरा प्लांट आपको बांधना नहीं है, पूरा प्लांट आपको थ्रेड से टाई अप नहीं करना है, उसके लीफी जो ब्रांच जो है, मतलब प्लांट के अंदर देर आर सो मैनी ब्रांच होती है, एक ही ब्रांच के ऊपर आपको ऐसी पॉलीथीन ब्लैक ट्रांसपेरेंट जो हो उसको आपको थ्रेड से बांधनी है। सो एक्टिविटी भी आपको घर पे करनी है, जितने स्टूडेंट कर पाए ये एक्टिविटी करना, आज नहीं कल परसों भी एक्टिविटी करना अगर प्लांट अवेलेबल है। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दिस, क्या होता है इसमें। सो मैंने आपको दिखाया ऐसे, एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर, पॉलीथीन बैग के अंदर टाई अप, इट्स माउथ उसके मुंह को बांध देना है, एज सोन इन फिगर 7.11, मैंने जो फिगर दिखाई ऐसे ही आपको उसको बांधना है। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर, दूसरी एम्प्टी पॉलीथीन कवर को भी टाई अप करना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर्स, ये कवर्स की इनर सर्फेस आपको देखनी है। वॉट डू यू सी आफ्टर देर आर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो क्या आपको पॉलीथीन बैग में आफ्टर 2 or 3 or 4 hours के बाद आपको एवरी 1 hour or 2 hours में उसको चेक करना है। सो आफ्टर द आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सर्फेस ऑफ द कवर, कवर्स की इनर सर्फेस आपको चेक करनी है। वॉट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिला। आर देर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या वहाँ पे पानी के कोई ड्रॉपलेट्स है। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देर, आप कैसे मानते हो वो ड्रॉपलेट वहाँ पे आए। सो वहाँ पे आपको पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, एक्टिविटी हो जाने के बाद वाटर ड्रॉपलेट्स देखने के बाद आपको ये वाटर की सॉरी आपको पॉलीथीन बैग हटा लेनी है अच्छे से। ओके, सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स, तो पानी कहाँ से आया, वाटर कहाँ से आया ये पॉलीथीन बैग के ऊपर। सो लेट अस सी, वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की वजह से ये लीव्स के ऊपर वाटर आया, जैसे कि हम जब
इनहेल करते हैं, मतलब हवा हमारे नॉस्ट्रिल के द्वारा हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से बाहर निकालते हैं, ऐसे ही एज इट इज़ हमारे पे हमारी स्किन के ऊपर पसीना होता है, एज इट इज़ इसके लिप्स में से भी वाटर वेपर बाहर निकलती रहती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। लीव्स में से हमेशा 24 आवर उसमें से वाटर वेपर बाहर निकलती रहती है जो हम देख नहीं पाते हैं। सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। सो इसके जो होल के द्वारा, लीव्स के द्वारा जो वाटर वेपर बाहर निकलने की जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, इट इज़ अ डिफाइन ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की एक डिफाइन हो गई है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन टू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन टू द एयर। प्लांट्स जो होते हैं लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा वाटर रिलीज करते हैं एयर में इन टू द दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। चैप्टर 14 के अंदर इसके डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। ये चैप्टर में सिर्फ ये एक्टिविटी ही है जो आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास प्लांट, लीफी प्लांट अवेलेबल हो तो। व्हाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स। क्यों हमने लीव्स के आसपास कवर बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट्स इफ़ यू हैड नो टाइड पोलिथीन कवर। अगर हमने कवर को दोरे से बांधा नहीं होता तो दिखता नहीं दिखता। सो थ्रेड से हम टाई अप करने के बाद, थ्रेड से बांधेगी तो वाटर वेपर बाहर निकल नहीं पाएगी। सो वाटर वेपर आपको पोलिथीन बैग में दिखाई देगी, तो आपको कंपलसरी थ्रेड बांधना है अगर ये एक्टिविटी कर रहे हो तो। वॉट मेक्स द वाटर अपियर ऑन द पॉलिथीन बैग। इन चैप्टर 5 वी नोटिस द वाटर चेंजिंग इन टू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ अवर एक्टिविटी। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम दिस प्रोसेस ऑफ मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपियर ऑन द पॉलिथीन कवर। तो कौन सी प्रोसेस होगी इसके अंदर। सो इवेपोरेशन की प्रोसेस इसके अंदर होगी। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। तो लीव्स का दूसरा भी फंक्शन होता है। तो एक फंक्शन हमने लीफ का देखा, लीफ का एक वर्क, लीफ का एक कार्य, हमने कार्य मतलब उसका फंक्शन हमने देखा। लीफ कौन सी प्रोसेस करती है, लीफ ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करते हैं। तो लीफ जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं प्लांट्स के, वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस करते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ। इसके लिए हमको पत्ते चाहिए, लीफ चाहिए, स्पिरिट। स्पिरिट जो डॉक्टर के पास अवेलेबल होता है, ये एक्टिविटी हम घर पे नहीं कर सकते हैं। सो स्पिरिट, अ बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, नीचे जो है बर्नर है जहाँ पे ये फ्लेम जलाई जाती है, वाटर, अ वॉच ग्लास एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पॉर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्ज द लीफ। टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमको लीफ पत्ते को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है, एंड पॉर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्ज द लीफ, पूरे पत्ते को डूब जाए, इमर्ज हो जाए, अंदर डूब जाए, ऐसे हमको स्पिरिट डालना है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर। टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रखना है, जैसे फिगर में दिखाया गया ऐसे टेस्ट ट्यूब को बीकर के अंदर रखना है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्पिरिट रखा था। एंड बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, आधा बीकर पानी से भरा होना चाहिए। नाउ हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इन टू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। तो जब भी ये इसको हम हीट देंगे, गर्म करेंगे, सो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लीफ आप ग्रीनिश ग्रीनिश देख रहे हो, थोड़ा अच्छे से मैं जूम करा आप देख पाओगे, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ग्रीन लीफ दिखेगा, लीफ अंदर डाला हुआ है। सो स्पिरिट होने की वजह से और उसको पानी से गर्म करने की वजह से लीफ का पूरा कलर स्पिरिट के अंदर चला जाएगा, लीफ का जो ग्रीन कलर है पूरा उसमें से उतर जाएगा, चला जाएगा स्पिरिट के अंदर। सो टेक आउट द लीफ, देन लिखा हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ। लीफ का पूरा ग्रीन कलर जब तक ना निकल जाए स्पिरिट में, तब तक आप एक्टिविटी करनी है, पर आपको घर पे एक्टिविटी नहीं करनी है। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। लीफ को फिर कलर जाने के बाद उसको बाहर निकाल देना है, एंड वॉश इट इन वाटर, इसको पानी से साफ कर देना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पॉर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। तो वॉच ग्लास में इसको रख के उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। सो लीफ फिर ऐसे आपको दिखेगा, आयोडीन सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो वॉट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में एक्टिविटी के साथ उसको कंपेयर करना है।
व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, तो स्टार्च प्रोटीन एंड फैट की हमने एक्टिविटी चैप्टर टू में देखी थी, उसके साथ इसको कंपेयर करना है। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च, क्या लीफ के अंदर स्टार्च है? तो यस, लीफ हैज स्टार्च इन इट। सो इन चैप्टर टू वी शो दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वी शो दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो रो पोटैटो मतलब कच्चा जो आलू जो था उसके अंदर भी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च हमने देखी थी। सो पोटैटोज गेट द स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। तो पोटैटो स्टार्च कहाँ से लाते हैं? तो उसके लीव्स में से ही आता है, एंड देन इट स्टोर्स इट। लीव्स प्रिपेयर दैट फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो लीव्स जो होती है, लीव्स मतलब जो पत्ते जो होते हैं प्लांट्स के, दे प्रिपेयर दैट फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड, अपना खाना बनाते हैं। तो फूड कौन बनाता है? लीव्स ही बनाते हैं। एंड अ ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, फॉर दिस दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये अपना फूड बनाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो यह प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर लीव्स जो होते हैं अपना फूड बनाते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। यह प्रोसेस से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। एंड द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फूड अपना जो प्रिपेयर जो होता है फूड लीव्स में, अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स के अंदर ये स्टोर होता है। सो वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर। स्टेम लीफ को पानी पहुंचाते, वाटर पहुंचाते, एंड द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड। और लीव ये वाटर का फूड बनाने के लिए इस्तेमाल यूज करते हैं। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। मैंने लास्ट एक्टिविटी आपको थोड़ी देर पहले समझाई। सो लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की मदद से लीव्स अपना वाटर लूज मतलब घुमाते हैं। हाउ डू द स्टेम्स एंड लीव्स गेट वाटर? स्टेम एंड लीव्स कैसे वो पानी उनके मिलता है? सो दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। तो रूट्स की वजह से इसको पानी मिलता है। ये हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। सो रूट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने जितना समझा आपको आज अच्छे से करना है। एंड मैंने आपको एक एक्टिविटी अनदर एक्टिविटी की, ये ट्रांसपीरेशन वाली, वो भी आप कर पाओ तो आपको करनी है। बट ये वाली जो एक्टिविटी रबिंग वाली थी वो आपको कंपलसरी करनी है। उसके फोटो भी आपको मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं। सो इतना आपको करना है और आप एक्टिव रहो, आप सब अच्छे से समझो। ऐसे ही मेरी आपसे प्रे है, आपको रिक्वेस्ट है। सो ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच।